हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग पीपीजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट कैसी थी, इसके बेस से अपन ने कोलॉइडल सॉल्यूशन को 8 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। आज अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो फेज अपने को पता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, इसके बेसिस पे कोलॉइडल सॉल्यूशन को अपन टू कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। इनकी स्टडी अपन वन बाय वन करेंगे। फर्स्टली अपन देखते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। जैसा कि नेम से क्लियर है, लायोफिलिक वर्ड का क्या मीन है, लायो मीन सॉल्वेंट, फाइल मीन्स टू एफिनिटी, और टू लव इसे अपन बोल सकते हैं। सॉल्वेंट का मीन्स क्या हुआ, डिस्पर्जन मीडियम। एट फर्स्ट अपन वर्ड लायोफिलिक पे कंसंट्रेट करते हैं। लायोफिलिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, लायो एंड फाइल। लायो मीन्स सॉल्वेंट एंड फाइल मीन्स टू एफिनिटी और टू लव। यानी अपन क्या बताएंगे कि इन लायोफिलिक कोलॉइड्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन क्या मिलती है अपने को, ग्रेट एफिनिटी। ग्रेट एफिनिटी या फिर ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स, इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कोलॉइडल सॉल इन विच ग्रेट एफिनिटी और ग्रेट लव इज प्रेजेंट बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी यहां पे क्या होता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के बिटवीन ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स होता है, ग्रेट एफिनिटी यानी कि ग्रेट लव इनके बिटवीन मिलता है। तो जैसा कि अपने को पता है कि ग्रेट लव यहां पे मिल रहा है, तो इनको अपन कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट मिक्सिंग से। दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। डायरेक्ट मिक्सिंग से यहां पे क्या मीन है, डिस्पर्जन मीडियम आपने लिया कोई सूटेबल, जैसे कि सॉल्वेंट आपने लिया यहाँ पे, और उसमें डायरेक्ट आपने डिस्पर्स फेज ऐड कर दिया, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स अपना तैयार हो जाएगा। यानी इसे बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड का अपने वो यूज करना नहीं पड़ता है, डिस्पर्जन मीडियम अपन ले यानी कि प्रॉपर सॉल्वेंट, और उसमें डायरेक्ट डिस्पर्स फेज अपन मिला के सेक कर देंगे, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स तैयार हो जाएगा। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स का क्या मीन आपने बताया, लायो मीन सॉल्वेंट, फाइल मीन्स टू एफिनिटी और टू लव, means the colloidal solid is great affinity or great love is present between dispersed phase and dispersion medium। यानी यहाँ पे क्या होता है, dispersed phase and dispersion medium particles के between attraction force कैसा होता है, बहुत ही strong attraction force होगा, और इनको अपन कैसे बना सकते हैं भाई, direct mixing। next अपन क्या बताते हैं lyophilic colloids में, lyophilic colloids are stable in nature। lyophilic colloids nature में कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, स्टेबल तो होने ऑटोमेटिक अपने को पता है, ग्रेट लव ग्रेट एफिनिटी मिल रही है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बिटवीन, तो नेचर में कैसे होंगे, स्टेबल। नेक्स्ट अपन क्या बताते हैं, जैसे ये अपने पास लायोफिलिक कोलॉइड्स है, ये अपने पास डिस्पर्जन मीडियम था और ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स, क्या बताते हैं अपन कि लायोफिलिक कोलॉइड्स कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजीली, बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी लायोफिलिक कोलॉइड्स का कोगुलेशन इजीली नहीं कर सकते। कैसे, यदि अपन इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालें, इलेक्ट्रोलाइट अपन ने ऐड किया जैसे कि ए बी, ए प्लस बी माइनस से मिलकर बना, तो यहाँ पे ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल इनका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, यानी नीचे सेट डाउन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जैसा कि अपने पहले देखा है, क्योंकि डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स है और डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल्स के बीच क्या मिल रहा है, ग्रेट लॉ मिल रहा है, तो कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजीली, इनको अपन कोगुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन क्या बताते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर,
रिवर्सिबल इन नेचर का मीन्स क्या है कि इफ सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्स फेज बाय इवोपरेशन, यानी इसको अपन क्या करें, इसको लेटर सोल्व अपन ने क्या कर दिया, इवोपरेट कर दिया। तो इवोपरेट करने पे क्या होगा कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हो क्या इवोपरेट हो जाएंगे और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अपने पास बच जाएंगे। तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स बचे इनको अपन ने वापस लिया और सुटेबल सॉल्वेंट में वापस डिसोल्व कर लिया, तो वापस इनको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। मींस आफ्टर प्रेसिपिटेशन दीज कैन बी रीप्रिपेयर्ड अगेन, इनको आप रीप्रिपेयर कर सकते हैं। वापस देखिए इसे रिवर्सिबल का क्या मींस है, जैसे लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्वेंट अपने पास है, ये अपने पास सॉल्वेंट दैट इज डिस्पर्सन मीडियम, इवोपरेट आपने किया तो सॉल्वेंट क्या होगा इवोपरेट हो जाएगा और क्या बचेंगे डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स अपन ने लिए और वापस सूटेबल सॉल्वेंट में डिसोल्व कर दिया तो वापस क्या हो गया रीप्रिपेयर हो गए। तो लायोफिलिक कोलाइड्स के एग्जांपल अपन बता सकते हैं कौन कौन से, स्टार सोल, ग्लू सोल, जिलेटिन सोल एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल है लायोफिलिक कोलाइड्स। ध्यान दें इफ इन लायोफिलिक कोलाइड्स डिस्पर्जन मीडियम इज वॉटर, यदि यहां पे डिस्पर्जन मीडियम वॉटर हो तो इसे अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स में आपने देखा यहां पे क्या होता है लायो मींस सॉल्वेंट और फाइल मींस टू एफिनिटी और टू लव, मींस यहां पे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बिटवीन क्या मिलता है ग्रेट लव, ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स है। फिर अपन ने क्या बताया कि कैसे रहते हैं नेचर में, स्टेबल रहते हैं। फिर कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजीली बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यदि अपन लायोफिलिक कोलाइड्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपन डालते हैं तो इनको कोगुलेट नहीं कर सकते। कोगुलेट का मतलब ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है सेटल डाउन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स में क्या मिल रहा है ग्रेट लव, ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स यहां पे मिल रहा है। नेक्स्ट अपन ने क्या बताया कि लायोफिलिक कोलाइड्स नेचर में कैसे रहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मींस क्या है, यदि सॉल्वेंट हो लायोफिलिक कोलाइड्स में जो सॉल्वेंट है दैट इज डिस्पर्सन मीडियम, इसको आपने क्या कर दिया इवोपरेट कर दिया। तो इवोपरेशन से क्या, इवोपरेशन होने के बाद क्या सॉल्वेंट पार्टिकल तो सारे इवोपरेट हो गए, अब जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स बचे इनको अपन ने लिया और वापस सूटेबल सॉल्वेंट में डिसोल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा रीप्रिपेयर हो जाएगा। तो अपन क्या बता सकते हैं आफ्टर इवोपरेशन दीज कैन बी रीप्रिपेयर अगेन, इनको आप रीप्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को अपन ने लिया और सूटेबल सॉल्वेंट में डिसोल्व कर दिया तो लायोफिलिक कोलाइड्स रीप्रिपेयर हो गए। फिर ध्यान रखें कि लायोफिलिक कोलाइड्स में सॉल्वेंट वाटर है यानी डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स बोलेंगे। एग्जांपल अपन ने बता दिए स्टार सोल, ग्लू सोल, जिलेटिन सोल एक्सेट्रा। नेक्स्ट अपन देखते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। फर्स्ट अपन ने लायोफिलिक देखा, सेकंड अपन देखते हैं कौन सा लायोफोबिक। एट फर्स्ट अपन लायोफोबिक वर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे, वही पीछे वाली बात, लायो मींस क्या होगा सॉल्वेंट और फोबिक, फोबिक मींस क्या होता है टू रिपेल, जैसे अपन देखते हैं कि एग्जाम फोबिया हो गया, एग्जाम फोबिया मींस एग्जाम से डर लग रहा है अपने को, तो ऐसे यहाँ पे लायो का मींस क्या है सॉल्वेंट और फोबिक मींस टू रिपेल, यानी यहाँ पे क्या होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में क्या होता है नो ग्रेट एफिनिटी नो लव, यहां पर लायोफोबिक कोलाइड्स में क्या देखेंगे लायो मींस सॉल्वेंट और फोबिक मींस टू रिपेल, या फिर बता सकते हैं कि नो ग्रेट एफिनिटी नो लव, ये जस्ट उसका रिवर्स है। यानी यहां क्या होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में कोई ग्रेट एफिनिटी नहीं मिलती है, नो लव, कोई लव नहीं है यहाँ पे, यानी नो अट्रैक्शन फोर्स। अब जैसा कि अपने को दिख रहा है कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स में कोई ग्रेट एफिनिटी नहीं है तो इनको अपन डायरेक्ट मिक्सिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इनको प्रिपेयर करने के लिए अपने को स्पेशल मेथड्स का यूज करना पड़ता है, यानी दीज आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, नॉट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। तो इन्हें प्रिपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड। स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन।
नेक्स्ट अपन क्या बताएंगे, लायोफोबिक कोलोइड्स हमेशा कैसे रहते हैं, अनस्टेबल, दीज आर अनस्टेबल इन नेचर। फिर अपन ने क्या बताया कि जैसे अपने पास लायोफोबिक कोलोइड्स है, ये सूटेबल सॉल्वेंट दैट इज डिस्पर्जन मीडियम और ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स, यानी स्पेशल मेथड्स का यूज करके आपने सपोज प्रिपेयर कर लिया है लायोफोबिक कोलोइड्स। अब इसमें यदि अपन क्या ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल इनको क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा, यानी प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पे कोई ग्रेट लव नहीं है, कोई एफिनिटी नहीं है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम पार्टिकल्स के बिटवीन, तो इनको अपन क्या बता सकते हैं, अनस्टेबल तो है नेचर में, और इलेक्ट्रोलाइट डालने पे क्या हो जाएगा, इनका कोगुलेशन हो जाएगा, यानी कैन बी कोगुलेटेड इजिली। By adding electrolyte, यदि electrolyte यहाँ पे अपन add करते हैं तो इनका coagulation हो जाएगा। फिर ये nature में कैसे रहते हैं, always irreversible, irreversible nature का means क्या है, यदि यहाँ पे अपन क्या करें, evaporation करें, तो evaporation करने में solvent particles क्या होते हैं, evaporate, और dispersed phase के particles बचेंगे, इन डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स को अपन सूटेबल सॉल्वेंट में डिसोल्व करें तो नहीं बन पाएगा ये, बिकॉज यहाँ पे कोई ग्रेट एफिनिटी नहीं है। सीधी सीधी बात है, अपन ने पहली बार ही बड़ी मुश्किल से इनको बनाया स्पेशल मेथड का यूज करके, तो यदि इनका इवेपोरेशन करके अपन सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दें तो डिस्पर्स फेस को यदि सूटेबल सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे तो रीप्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रीप्रिपेयर्ड अगेन, मीन्स नेचर में कैसे रहते हैं, इरिवर्सिबल। लायोफोबिक कोलोइड्स के एग्जाम्पल अपन क्या बताते हैं, सॉल्ट्स ऑफ मेटल, मेटल के जो कोलाइडल सॉल्ट होते हैं जैसे गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट और सॉल्ट्स ऑफ मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड के जो सॉल्ट होंगे वो भी इसी में आएंगे, जैसे आर्सेनियम सल्फाइड का सॉल्ट अपन बता सकते हैं AH2S3 सॉल्ट। फिर ध्यान रखें लायोफोबिक कोलोइड्स में भी सॉल्वेंट क्या है, वाटर, सॉल्वेंट वाटर है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स। तो ये अपन ने लायोफिलिक लायोफोबिक कोलोइड्स देखा था, लायोफिलिक में आपने क्या देखा, ग्रेट एफिनिटी मिलती है, यहाँ ग्रेट एफिनिटी नहीं मिलती, यानी अब वहां पे क्या था, सॉल्वेंट और डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स था लायोफिलिक में, लायोफोबिक में कोई ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। लायोफिलिक नेचर में कैसे रहते हैं, स्टेबल, और ये हमेशा कैसे रहते हैं, अनस्टेबल। उनको अपन डायरेक्ट मिक्सिंग से बना सकते थे, लायोफोबिक को डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बना सकते क्योंकि कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है यहाँ पे, इन्हें बनाने के लिए स्पेशल मेथड का अपने को यूज करना पड़ता है। फिर कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजीली, लायोफिलिक को कोगुलेट अपन नहीं कर सकते थे बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट लायोफोबिक कोलोइड्स में भी अपन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का क्या होता है, कोगुलेशन नहीं होते, सेट डाउन। फिर लायोफिलिक कैसे थे नेचर में, रिवर्सिबल, और ये नेचर में कैसे रहते हैं, इरिवर्सिबल, यानी आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम को आप इवेपोरेट कर दें उनको आप रीप्रिपेयर नहीं कर सकते। ये एग्जांपल्स आपने लायोफोबिक कोलोइड्स के देखे, लायोफोबिक कोलोइड्स में सॉल्वेंट वाटर होते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स। तो ये अपने लायोफिलिक लायोफोबिक कोलोइड्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अपन मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।